हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फोटो का बैकग्राउंड कैसे इरेज कर सकते हो एक ही क्लिक में। दोस्तों, बहुत ही सिंपल ट्रिक आपके लिए लेकर आया हूं कि आप अपने फोटो का बैकग्राउंड एक ही क्लिक में रिमूव कर सकते हो। बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्तों, बने हुई पूरी वीडियो के साथ। तो दोस्तों, वो मैं एक ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट बताने वाला हूँ जिससे कि आप एक ही क्लिक में अपने फोटो का बैकग्राउंड कर दोगे रिमूव। दोस्तों, इसकी वेबसाइट की लिंक मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ऐसे ही क्लिक करेंगे, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और जैसे ओपन होगी उसका प्रोसेस मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। दोस्तों, आप अपना फोटो अपलोड करते ही आपका बैकग्राउंड हो जाएगा रिमूव। तो बने रहिए पूरी वीडियो के साथ, स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ आपको कैसे करना है। दोस्तों, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहां जैसे आप क्लिक करोगे आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगी। दोस्तों, दिखाता हूं आपको किस तरह से ओपन हो जाएगी। हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे और आपको देखने के लिए कुछ इस तरह का व्यू मिलेगा। तो दोस्तों, आपको सिंपली करना क्या है यहाँ पे, तो आपको जैसे आप वेबसाइट ओपन करोगे तो इस तरह का खुल के आ जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ पे सेलेक्ट ए फोटो पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी खुल के आ जाएगी। जैसे आप अपने कोई भी फ़ोटो ले लीजिए, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ़ोटो ले लेता हूँ मैं और इसको यहाँ से डन कर लेता हूँ। दोस्तों, मैं जैसे डन करूँगा, देख सकते हैं यहाँ पे हमारी अपलोडिंग हो चुकी है और ये हमारा 5 सेकंड में बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा ऑटो, बहुत परफेक्टली तरीके से। तो दोस्तों, देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड कैसे इरेज होने वाला है। ये फ़ोटो हमारा इस तरह का था और जैसे हमने देखिए इरेज होगा, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इतना अच्छे से हमारा बैकग्राउंड ऑटो हो चुका है, आप देख सकते हैं इसको। ये हमारे यहाँ से जैसे क्लिक करोगे तो इस पर डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों, देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड इरेज हो गया है, कितना अच्छे से इरेज हुआ है, एक भी कुछ भी कमी नहीं आई है। तो दोस्तों, इसको हम बैक कर लेते हैं और भी फ़ोटो देख सकते हैं आप यहाँ से। और दोस्तों, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं इसको, बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। जैसे ये बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं आप अपने फ़ोटो में, ये बहुत सारे बैकग्राउंड है यहाँ पर आप वो लगा सकते हो। और यहाँ से आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला आप यहाँ से सेव कर भी सकते हो इसको, कि आपको इतने सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे, आप इन बैकग्राउंड को भी चूज़ कर सकते हो इनमें। और यहाँ से आप DSLR भी कर सकते हो अपने फ़ोटो में, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है जिससे आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप कलर भी कर सकते हैं यहाँ पर, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं।